समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर और दो अन्य पूर्व विधायकों के खिलाफ मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी को गिरफ्तार कर 20 फरवरी को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। तीनों पर चुनाव आचार संहिता समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट पंकज मिश्रा की कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, पूर्व विधायक गोपाल काली और साथ ही बसपा के पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। ये पूर्व विधायक शाहिद मंजूर, पूर्व विधायक गोपाल काली और पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर के खिलाफ माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इनके खिलाफ लोक जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत चौधरी चंद्रवीर सिंह के खिलाफ थाना सरधना में मुकदमा कायम था। पूर्व विधायक शाहिद मंजूर के खिलाफ थाना गंगानगर में मुकदमा कायम है और पूर्व विधायक गोपाल काली के खिलाफ थाना मवाना में मुकदमा कायम है और करीब दो दो साल से इन लोगों के खिलाफ वारंट जा रहे हैं लेकिन उसकी तामील नहीं हो पा रही है। माननीय न्यायालय ने जो है वो लेटर जारी किया है अपर पुलिस महानिदेशक को कि इन लोगों को नियत तारीख पर पुलिस जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें। और विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है, उसके खिलाफ लोक जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत मुकदमा कायम नहीं है बल्कि 13 साल पुराना मुकदमा है 307 का, जिसमें वो बराबर लगातार एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। किन किन कोर्टों से ये है स्पेशल जज ईसी एक्ट मेरठ के यहाँ से इनके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। कोर्ट ने एडीजी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को 20 फरवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। तीनों पर चुनाव आचार संहिता समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज है। न्यूज डेस्क।